नमस्कार भाइयों, वेलकम आप सभी का। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो चौथा T20 मैच खेला जाएगा उसके क्या हमारी टीम रहने वाली है। मैच खेला जाएगा दोस्तों यूएसए फ्लोरिडा में, यानी कि यूएसए में मैच खेला जाएगा। तो देखेंगे कि फ्लोरिडा की जो पिच रिपोर्ट है कैसी है, क्योंकि पिच रिपोर्ट इंपोर्टेंट होने वाले है, जिसकी वजह से हम आज अपनी टीम का स्ट्रक्चर तय करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने विकेट्स कीपर ठीक लेने हैं, कितने बैट्समैन ठीक रहेंगे हमारे लिए, हम अपनी टीम में ऑलराउंडर किसको लेकर चले और कितने ऑलराउंडर लेकर चले, यानी कि आज की टीम का हमारा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला। क्या पिछले मैच की तरह हम 3 बैट्समैन लेकर चले या आज 4 बैट्समैन ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी बैट्समैन हम अपनी टीम में ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेस, जैसे कि पिछले 3 T20 में लगातार विनिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट के तीनों T20 में अच्छी खासी विनिंग हुई है। जीएल भी हमारी मिस हुई है, सिमरन हेटमायर से जैसे कि वो चल जाता या हमारा टर्म कार्ड प्लेयर था उसकी जगह पर रोमन पाउल होता तो ग्रैंड लीग आने तक के चांस थे। तो आज के मैच में दोस्तों क्या होगा, क्योंकि आज फिर से कुछ अलग होगा, आज से फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको हम ड्रॉप करेंगे, वो परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होंगे जिनके चलने के चांसेस है, जिनको ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच का जो प्रेडिक्शन था तीनों ही T20 का काफी हद तक ठीक गया था। और आज के मैच का भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं दोस्तों, पिच रिपोर्ट देखकर देखेंगे कि इस पिच पर कितना स्कोर्स बनता है, कितने विकेट कीपर बैट्समैन लेने हैं, ये पिच रिपोर्ट देखेंगे। रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे कि कौन प्लेयर्स कैसा परफॉर्मेंस करा, आज के मैच में कौन परफॉर्मेंस करेगा, सेलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, टीम आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन भी अभी तक आप लोगों ने नहीं दबा रखा तो वो भी दबा लेना। चलो दोस्तों अब अपनी इस मैच की टीम बना लेते हैं। तो मैच खेला जाएगा दोस्तों फ्लोरिडा में 12 अगस्त को रात के 8 बजे। तो फ्लोरिडा की पिच रिपोर्ट्स कैसी है, पिच की बात करें तो दोस्तों ठीक ठाक पिच है। सीधे आंकड़े देख लेते हैं कि इस पिच पर कितना स्कोर हुआ था। इस पिच की बात करें दोस्तों ज्यादा मैच नहीं खेले जा चुके हैं, इंडिया और वेस्ट इंडीज यहाँ पर अपने जो पिछले साल मैच खेले गए थे यहाँ पर मैच खेल भी चुकी है। तो यहाँ पर टोटल 11 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 9 और सेकेंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच विन किए हैं। वहीं पर एवरेज स्कोर्स की बात करें 160 से 170 के बीच एवरेज स्कोर्स है। आप देख रहे हैं कि 166 एवरेज स्कोर्स है, यानी कि आप 170 एवरेज स्कोर्स मान सकते हैं। 170 एवरेज स्कोर्स का मतलब है कि बैट्समैन को यहां पर स्पोर्ट्स है। हाई स्कोर्स 245 जा चुका है दोस्तों T20 की बात करें, और लो स्कोर्स की बात करें तो 81 रन लो स्कोर्स भी यहां तक रह चुका है। यानी कि फिलहाल देखा जा रहा तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, एवरेज स्कोर 166 का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 3 बार स्कोर्स बना है, और 150 से 170 के बीच 1 बार, 170 से 190 के बीच 4 बार, और 190 से ऊपर भी दोस्तों इस पिच पर 3 बार स्कोर्स बना है। ज्यादातर स्कोर्स यहां पर जो बना है 190 से ऊपर 3 बार और 170 से 190 के बीच 4 बार, यानी कि 11 मैचों की बात करें, 11 मैचों में से 7 मैचों में जो स्कोर्स बना ना वो 170 से 190 के बीच, 190 से ऊपर स्कोर्स बना है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है। इसीलिए जो रिसेंट मैच है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद टीम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या हमारी टीम का स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो जो लास्ट मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज का इस पिच पर हुआ था, इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए दोस्तों आप देख सकते हो कि 188 रन बनाए और 7 विकेट गिरे, वेस्ट इंडीज 100 रन पर ऑल आउट हो गया था। इस मैच में पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 11 विकेट मिले, यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स इंपोर्टेंट है इस मैच में। वहीं पर एक और मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज को हुआ, इसमें भी इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग की ना 191 रन बनाए और 5 विकेट गिरे, वेस्ट इंडीज 132 रन पर ऑल आउट हो गया। लेकिन उस स्थिति, उस सिचुएशन और इस सिचुएशन में अंतर है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल वेस्ट इंडीज अच्छी खासी फॉर्म में है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हिटर्स हैं, निकोलस पुरन जैसे, रोमन पावल जैसे प्लेयर्स अच्छी खासी फॉर्म में है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस मैच में इंडिया 190 बनाएगा और 100 रन पर वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो जाएगा, जैसे कि इन मैचों में हुआ था। वेस्ट इंडीज भी यहां पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी, वो भी अच्छा खासा रन बनाता हुआ दिखाई देगा। इस मैच में पेसर्स को 9 और स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले, यानी कि एक T20 के लिए अच्छी ये पिच है, जिस पर बैट्समैन को आप देख सकते हैं 180 से 190 के बीच स्कोर्स बनता है। पेसर्स में किसी मैच में पेसर्स को 5, किसी मैच में पेसर्स को 9,
किसी मैच में स्पिनर्स को 11, स्पिनर्स को 5, यानी कि तीनों ही फॉर्मेट के लिए अच्छा खासा है, बैट्समैन को भी, बॉलर्स में पेसर और स्पिनर्स को भी। तो आज के मैच में भी इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगा तो, और जिस तरह से मैच की सीरीज चली हुई है, थोड़ा आप हाई स्कोर्स अब ये दोनों मैच है ना इनको देख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हम टीम बनाने वाले हैं। आज इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगा तो दोस्तों 190 रन के आसपास स्कोर्स करने वाला है, और विकेट्स तो गिर ही रहे हैं, विकेट्स तो आप मान सकते हो कि 7 विकेट्स इंडिया के भी गिरेंगे, जबकि वेस्ट इंडीज अच्छी खासी फाइट देगा। ऐसा नहीं कि मैच आप देखोगे कांटे की टक्कर का होने वाला, लास्ट ओवर तक मैच जाएगा, कुछ भी हो सकता है जिस तरह से सीरीज चली हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से बैटिंग विकेट्स है तो इंडिया ही इस मैच को विन करने वाला है। वहीं पर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैटिंग करेगा तो वेस्ट इंडीज भी 170 से ऊपर का स्कोर्स करेगा, और टीम इंडिया इस मैच को चेज करेगा 170 को, मेरे हिसाब से जो मेरा प्रेडिक्शन आज बोलता है। अब बात करते हैं टीम का स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, मेरी टीम का जो स्ट्रक्चर होगा, विकेट्स कीपर मैं 1 लेकर चलूंगा, बैट्समैन मैं आज 5 लेकर चलूंगा दोस्तों, क्योंकि आज मैच होगा अलग, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज्यादा बैट्समैन बहुत कम ही मैचों में लेकर चलता हूं, इस पिच पर अच्छा खासा स्कोर्स हो रहा है, तो इसलिए मैं 5 बैट्समैन के साथ जाऊंगा। आप 4 लेना चाहो तो 4 भी ले सकते हो, लेकिन आज मैं 5 बैट्समैन के साथ जाऊंगा। ऑलराउंडर मैं 1 या 2 ही लूंगा, बॉलर्स दोस्तों मैं 3 या 4 बॉलर्स लेकर चलूंगा। ये कुछ इस तरह का मेरी टीम का स्ट्रक्चर होने वाला है, इसी तरह से मैं अपनी टीम बनाने वाला हूं। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, आपको पता ही है इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, ज्यादातर मैचेस इंडिया ने विन किए हैं, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सीरीज में 2 मैच वेस्ट इंडीज विन कर चुका है और 1 मैच इंडिया विन कर चुका है। अब आगे बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह, मुकेश कुमार, युजवेंद्र चहल, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है। लास्ट मैच में मैंने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप किया था, ईशान किशन खेलता तो मैं उसको लेता, ईशान किशन नहीं खेला शुभमन गिल को तो मेरे को ड्रॉप करना ही था, क्योंकि रिसेंट फॉर्म, एक मैच ऐसे होते हैं, एक सीरीज में कोई प्लेयर फ्लॉप होता ना वो पूरी सीरीज निकल जाती है उसकी, फ्लॉप होते होते 3 मैच तो शुभमन गिल के निकल चुके हैं। अब देखते हैं इस मैच में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। यशस्वी जायसवाल को बहुत लोगों ने लिया कि डेब्यू करेगा, ज्यादा रन बनाएगा, लेकिन जिस तरह से सीरीज चली हुई थी उस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अपनी टीम बनाई, मैंने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर्स को ड्रॉप कर दिया था। तो आज क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं, आज किस प्लेयर्स को लेने वाले। बॉलर्स आपको पता ही है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, हरदीप सिंह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, ये 6 बॉलर्स हैं, जिसमें से हार्दिक पांड्या पूरे ओवर कर रहे हैं। लास्ट मैच में अक्षर पटेल से 4 ओवर बॉलिंग करा दी गई, इसलिए मैंने अक्षर पटेल को ट्राई किया था कि आज के मैच में बॉलिंग कर सकता है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, हरदीप सिंह, मुकेश कुमार के लास्ट मैच में 2 ओवर ही मिले थे इसको, यानी कि कम ओवर जो बॉलिंग कर रहा ना वो मुकेश कुमार कर रहा, बाकी ज्यादातर ये 5 मेन बॉलर्स है, लेकिन मुकेश कुमार भी इस पिच पर अच्छे खासे ओवर कर सकता है। डेथ आपको पता ही है, डेथ में हरदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, तीसरे ऑप्शन कुलदीप, मुकेश कुमार है इंडिया की तरफ से। अब बात करते हैं कि इंडिया के कौन से 6 प्लेयर्स इंपोर्टेंट होने वाले हैं, हमारी टीम क्या बनने वाली है। सबसे पहले दोस्तों जायसवाल की बात करें ना, लास्ट मैच में 1 रन पर आउट हो गया, उतने अच्छे हालांकि आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा दबाव हो जाता है दोस्तों, और टेस्ट मैच में नो डाउट कि यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त फॉर्म किया, लेकिन टी20 में थोड़ा मेरे को था कि जायसवाल परफॉर्मेंस नहीं करेगा, इसलिए मैंने जायसवाल को नहीं लिया। आज हो सकता है जायसवाल 20-30 रन बना दे, देखो फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप देख लेना, लेना चाहो तो ले लेना, नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि इन फॉर्म के साथ जाएंगे तो काफी अच्छा होने वाला है। वहीं पर शुभमन गिल की बात करें, तीनों मैचों में फ्लॉप रहा है, और अच्छी बात यह है मैंने तीनों ही मैचों में इसको ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से विनिंग हुआ। हालांकि आप अगर शुभमन गिल को लेना चाहो तो ले सकते हो, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आज के मैच में, क्योंकि आज के मैच में मैं 5 बैट्समैन लेकर चलना चाहूंगा, 3 बैट्समैन इंडिया की तरफ से और 2 बैट्समैन मैं लेकर चलूंगा वेस्ट इंडीज की तरफ से, जिसमें से जायसवाल और शुभमन गिल में से मैं आज 1 लेकर चलूंगा, क्योंकि आज बैटिंग थोड़ा 190 के आसपास स्कोर जा सकता है, तो इसलिए आज 1 एक्स्ट्रा बैट्समैन मैं लेकर चलूंगा, यानी कि शुभमन गिल को आज मैं ट्राई कर सकता हूं, लेकिन उम्मीद मेरे को काफी कम है। अगर लेकिन यह भी हो सकता है कि पॉइंट्स दे सकता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा वाली बात है वो शुभमन गिल नहीं देंगे। शुभमन गिल मेरे हिसाब से ज्यादा 40 पॉइंट्स के आसपास दे सकते हैं, 30 रन बना सकते हैं, 30-35, इससे ज्यादा शुभमन गिल रन नहीं बनाएगा, ये तो मेरा प्रेडिक्शन अब भी है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जा रहा हूं तो मैं शुभमन गिल को अपनी टीम में लेकर चलूंगा। दोस्तों रिसेंट फॉर्म खराब है, बाकी ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। सूर्य कुमार यादव दोस्तों लास्ट मैच में
जो प्रेडिक्शन था कि सूर्य कुमार यादव 40 प्लस रन करेगा, 83 रन बना दिए, अच्छी फॉर्म में था, कैप्टन वाइस कैप्टन की इनिंग्स खेल गया। ये प्लेयर्स है ही दोस्तों, देखो एक कारण एक और होता है ऐसे प्लेयर्स को लेने का, ये T20 जो रैंकिंग है ना पहले नंबर पर है, और जो प्लेयर्स पहले नंबर पर रैंकिंग होता है वो हमेशा रन बनाता ही बनाता। आप देख सकते हो 24, 35, 21, 83 एक ही मैच में नहीं किया, क्योंकि रैंकिंग नीचे आती है जिसकी वजह से संभल कर भी खेलते हैं, हिटर्स भी है, बढ़िया प्लेयर है। तो यही कारण है कि सूर्य कुमार यादव के हर मैच में परफॉर्मेंस करने के। तो सूर्य कुमार यादव को आप आज भी आसानी से टीम में ले सकते हो, सीवीसी का आज भी कंटेंडर रहेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों तिलक वर्मा, इसकी रिसेंट फॉर्म गजब की है, तीनों मैचों में अच्छा और उससे पहले भी अच्छा रिसेंट फॉर्म के आधार पर, और जो सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तिलक वर्मा के, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा आज से, तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट है, मैं आज भी इसको ट्राई करूंगा। लास्ट मैच में 49 रन नाबाद बनाए, 50 भी हो सकती थी लेकिन 49 रन नाबाद बनाए, अच्छी इनिंग्स खेली, तिलक वर्मा आज भी बेस्ट रहेंगे, आप आसानी से ट्राई कर सकते हो। ये दोनों स्कोर्स करेंगे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, बाकी शुभमन गिल के और यशस्वी जायसवाल में से एक के चांसेस है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर चल रहा हूं तो मैं जायसवाल और शुभमन गिल में से एक को लेकर चलूंगा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मैं दोनों बैट्समैन के साथ जाऊंगा। फिर बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या का, अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लास्ट मैच में विकेट्स तो नहीं मिला लेकिन इस पिच पर, जैसे कि लास्ट मैच में 20 रन बनाए पांड्या ने, इस पिच पर मैं पांड्या से 30 प्लस रन मान के चल रहा हूं, 30 प्लस रन 40 भी बना सकते हैं, अगर ऊपर जल्दी विकेट्स गिरता तो 40 रन भी बना सकते हैं, या 15-16 गेंदों पर भी 30-40 रन बन सकते हैं जिस तरह का T20 फॉर्मेट और जिस तरह की पिच है, और प्लस एक या दो विकेट्स ले सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या अच्छे खासे रहेंगे, रिसेंट फॉर्म ठीक है, इस मैच में 24 रन भी बनाए और 3 विकेट्स, पहले T20 में 19 रन 1 विकेट्स, लास्ट मैच में 20 रन नाबाद, विकेट्स नहीं मिला लेकिन इस मैच में इनको विकेट्स भी मिलेगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन के ये कच्चे कंटेंडर जरूर हैं। फिर बात करते हैं संजू सैमसन, उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, एक तो बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर है इनका, देखो जीएल में आज मौका हो सकता है आपके लिए संजू सैमसन को ट्राई करने का ग्रैंड लीग के टीम में, क्यों, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अगर पिच पर जो पहले पिच पर मैच खेले गए उनमें 150 प्लस का स्कोर हो रहा था, तब उस सिचुएशन में टॉप ऑर्डर से 30-40 रन 2-3 खिलाड़ी बनाकर या एक खिलाड़ी ज्यादा स्कोर करके तो वही बन जाता था, लेकिन इस पिच पर 190 प्लस का स्कोर जा सकता है, 170 से 190 के बीच स्कोर जाता है, तो संजू सैमसन कहीं ना कहीं 30 रन की पारी खेल सकते हैं, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, यानी कि जीएल में एक अच्छे खासे रिस्क लेने वाले इन पर ले सकते हो। बाकी मैं ग्रैंड लीग पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा संजू सैमसन पर, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, आप चाहो तो देख लेना, बाकी अपना प्रेडिक्शन आप लोग खुद करना। फिर बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर पर अक्षर पटेल, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, इस मैच में मैं कंफ्यूज हूं कि अक्षर से ज्यादा जो कंफ्यूजन है ना इस मैच में वो मेरा अक्षर पटेल है, कि अक्षर पटेल को मैं टीम में लेकर चलूं या नहीं चलूं, क्योंकि मैंने 3 बैट्समैन ले लिए और 3 बैट्समैन नहीं लेता तो मैं अक्षर पटेल को टीम में ट्राई कर सकता था, लेकिन हाल के लिए मैंने अक्षर पटेल को अपनी टीम में रखा हुआ है क्योंकि ये 4 ओवर बॉलिंग कर रहा है, 1 विकेट प्लस बैटिंग से पॉइंट्स दे सकता है, ठीक ठाक ऑप्शन है, बाकी मैं कंफ्यूज हूं, देखते हैं इसको क्या करते हैं, टीम बनाते वक्त बात करेंगे। कुलदीप यादव दोस्तों लास्ट मैच में हमारा विस्सी था, कोई भी नहीं सोच के आया था कि कुलदीप यादव को विस्सी बना जाए, कुलदीप यादव 3 विकेट ले लेगा, और मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट T20 से ही कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में से कोई खेलेगा या दोनों भी खेलेंगे तो मैं कुलदीप यादव को ही अपनी टीम में लूंगा, और मैंने टीम में भी लिया और मैंने वीसी भी बनाया। अगर समोल लीग की बात करें, ग्रैंड लीग की टीम में मैंने कैप्टन भी बनाया, लेकिन एक प्लेयर्स दो प्लेयर्स की वजह से जीएल मिस हो गई, यानी कि कुलदीप यादव अच्छे खासी फॉर्म में है, आज भी मैं कुलदीप यादव को अपनी टीम में कंफर्म लेकर चलूंगा, उससे पहले हर मैच में जबरदस्त फॉर्म में, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, वेन्यू पर तो एक मैच खेला 3 विकेट्स हैं, फ्लोरिडा की बात करें तो T20 में भी अच्छे खासी फॉर्म में है, आज भी चाहो तो आप इसको विस्सी बनाना बना सकते हो। युजवेंद्र चहल लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिली, इस मैच में एक आध विकेट मिल सकती है, लेकिन ज्यादा मैं सब युजवेंद्र चहल से इस मैच में भी नहीं करने वाला हूं, लेकिन एक विकेट या दो विकेट निकाल सकता है युजवेंद्र चहल। अगर कुलदीप यादव और चहल में से एक लेना है तो मैं कुलदीप यादव को ही अपनी टीम में लेकर चलूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों अर्शदीप सिंह, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले ठीक ठाक है, और डेथ में बॉलिंग करते हैं तो अच्छे खासे पिक रहेंगे। कंफ्यूजन यही है मेरे पास कि मैं अक्षर पटेल को अपनी टीम में लूं या अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में लूं, इनमें से एक को लेकर चलूंगा दोस्तों मैं। अब बात करते हैं, बाकी चाहो तो आप अर्शदीप सिंह को लेकर चल सकते हो, अच्छे खासे प्लेयर्स है। मुकेश कुमार को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, जेल का कॉम्बिनेशन याद आपको,
कि कुलदीप यादव को अपनी टीम में लेकर चलना और फिर मुकेश कुमार को अपनी टीम में लेकर चलना, सेम कॉम्बिनेशन था दोनों का, लीग टीम का अच्छा थे। तो फिलहाल एसएल में तो मैं मुकेश कुमार को ड्रॉप करूंगा, बाकी जीएल में भी फिलहाल शायद हो सकता है मैं मुकेश कुमार को ड्रॉप करूं। आज मैं बॉलर्स की तुलना में बैट्समैन ज्यादा लेकर चलना चाहूंगा। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात करें तो काइल मायर्स और ब्रेंडन किंग ओपनिंग कर रहे हैं, जेनसन चार्ल्स, निकोलस पुरन, हेटमायर, रोमन पावल, जेनसन ओल्डर, रोमारियो सब, फडकिला हुसैन, अल्जारी जोसेफ और ओबेड मुकोई, ये इनकी प्लेइंग 11 है। बॉलिंग की बात करते हो इनके पास जो मेन बॉलर्स हैं ये पांचों मेन बॉलर्स हैं इनके जो बॉलिंग करते हैं, लेकिन इनके पास एक और है, पावल ने भी लास्ट का ओवर डाला था, लास्ट मैच में लास्ट ओवर डाला था, बाकी काइल मायर्स इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन होल्डर और चेज में से जो खेलेगा वो पूरे ओवर करेगा, मेरे हिसाब से इस मैच में होल्डर खेलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब इनमें से किस प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चले दोस्तों, कौन से वह पांच छह प्लेयर्स हैं। काइल मायर्स हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर्स, वही है कि जाते जाते 20-25 तक तो विकेट्स पे ही देगा, कभी भी देख लो ज्यादा स्कोर्स नहीं करा, बॉलिंग कर नहीं रहा तो मैं इसको ड्रॉप ही करूंगा। ब्रेंडन किंग थोड़ा आसानी से खेलता है, थोड़ा संभल कर खेलता है, स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं होता, संभल कर ये बंदा 42-28-0 यानी कि 20 प्लस का स्कोर्स बना सकता है, ज्यादा भी बना सकता है क्योंकि इसके हिटिंग करने के चांसेस कम रहते हैं, तो एक ठीक ठाक है सेफ ऑप्शन में है ये, जिसको आप लेकर चलना चाहो ले सकते हो क्योंकि 20-30 रन तो ये बनाएगा ही बनाएगा। बाकी हेटमायर्स तो मेरे सबसे ये तो विकेट कभी भी फेंक सकता है। फिर बात करते हैं चार्ल्स, अभी तक कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाई, ये प्लेयर्स जीएल में ही आप चाहो तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के रूप में यूज कर सकते हो, लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ 12 ही रन बनाए, थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकते थे क्योंकि लास्ट मैच में निकोलस भी 20 रन पर आउट हो गया था। इनमें से एक को ही लेकर चलना है, चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे समोल लीग हो, बाकी ग्रैंड लीग में आप दो को भी लेकर चल सकते हैं, आज के मैच में दो विकेट कीपर लेकर चलना चाहो तो फिलहाल निकोलस पुरन विकेट कीपर में सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं समोल लीग की टीम की बात करूं, हर मैच में अच्छा खासा स्कोर्स किया, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, वेन्यू पर थोड़ा खराब है निकोलस पुरन का, लेकिन रिसेंट फॉर्म और जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है तो अच्छा ऑप्शन है, जिससे भी आप चाहो तो बना सकते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों रोमारियो सफर्ड और रोमन पावल, इनमें से एक को तो लेकर चलना ही चलना दोस्तों, दो को भी लेकर चल सकते हो अगर आप ज्यादा बैट्समैन लेकर चलना चाहो तो, लेकिन हेटमार से इन दो मैचों में ग्रैंड लीग टीम का हिस्सा था हेटमार, लास्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि हेटमार किसी न किसी मैच में इन 5 T20 मैचों में से 3 या 4 T20 मैचों में ग्रैंड लीग टीम का हिस्सा होगा, इन दो मैचों में था, लास्ट मैच में नहीं कर पाया, लेकिन ये कभी भी बड़ी इनिंग्स खेलने वाला है, मैं पहले बता दिया लास्ट मैच में, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। बाकी इन दोनों में से एक को आप अपनी टीम में ले सकते हो, पावल भी अच्छा खासा, पावल कभी भी बॉलिंग भी कर सकता और लास्ट मैच में नॉट आउट 40 रन भी बनाए, इन दोनों में से एक को लेकर चल सकते हो या दोनों को भी लेकर चल सकते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों रोमारियो सफर्ड को, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले लगातार विकेट्स हैं, 6 मैचों में 6 विकेट्स हैं, वेन्यू पर पहली बार खेलेंगे, T20 में ठीक ठाक है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है रोमारियो सफर्ड की, इसलिए मैं सफर्ड को अपनी टीम में लेकर चला जाऊंगा। रोस्टन चेज को आसानी से ड्रॉप कर सकते हो, उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है और इंडिया स्पिन्स को अच्छे से खेलती भी है। फिर बात करते हैं अकीला हुसैन, विकेट टेकिंग बॉलर्स, लास्ट मैच में विकेट्स नहीं मिली, उससे पहले 16 रन 2 विकेट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है, वेन्यू पर ठीक है, T20 में भी ठीक है, ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है, लेकिन 4 ओवर बॉलिंग करेगा एक आधा विकेट से निकाल सकता है, यही बात है, बाकी ठीक ठाक है, ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है। अल्जारी जोसेफ अच्छी खासी फॉर्म में चल रहा है, 10 रन 2 विकेट्स रिकॉर्ड सारे ही अच्छे हैं, अल्जारी जोसेफ एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं क्योंकि स्पीड पर प्रेशर और स्पिनर्स दोनों का तालमेल अच्छा है। फिर बात करते हैं ओबेड मुकोई, अगर जेनसन होल्डर खेलता तो आप देख लेना, जेनसन होल्डर एक आधा विकेट निकाल सकता, रोस्टन चेज की जगह पर जेनसन होल्डर खेल सकता, ओबेड मुकोई जीएल ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा आज के मैच में। लास्ट मैच में इसने एक विकेट निकाली, जहां पर दूसरे बॉलर्स को विकेट नहीं मिली वहां पर मुकोई ने एक विकेट निकाली, मुकोई अच्छा खासा प्लेयर आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेरी टीम की बात करें तो मैंने विकेट कीपर में निकोलस पुरन और एक ही विकेट कीपर लिया हुआ है। फिर दोस्तों मैंने 5 बैट्समैन लिए हुए आज, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, रोमन पावल, तिलक वर्मा और ब्रेंडन किंग, ये मेरी टीम है। इसमें मैं हेटमार को जरूर ट्राई कर सकता हूं पावल की जगह पर, ऑलराउंडर 2 लिए हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, 3 बॉलर्स के साथ गया हूं, कुलदीप यादव, रोमारियो सफर्ड और अकीला हुसैन। बहुत कम चांसेस होते हैं कि T20 में मैं 5 बैट्समैन को लेकर 3 बॉलर्स के साथ जाऊं। देखो इस मैच में अच्छा खासा स्कोर्स हुआ तो हम 5 बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, अगर थोड़ा ठीक ठाक विकेट्स हुई तो हम 4 बॉलर्स ले सकते हैं, यानी कि 4 बैट्समैन तो आज मैं लेकर चलने वाला ही हूं, 4 बैट्समैन मेरे सबसे सबसे परफेक्ट 4 बैट्समैन होंगे,
तो हो सकता है मैं सुमन गिल को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर अर्शदीप सिंह को ट्राई कर लूं, या फिर अर्शदीप सिंह को मैं ट्राई कर सकता हूं अक्षर पटेल की, जहां पर मैं कंफ्यूज हूं अक्षर पटेल को लूं या अर्शदीप सिंह को लूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं सुमन गिल की जगह पर अर्शदीप सिंह को ट्राई करूं। कैप्टन की बात करें दोस्तों, मैंने टीम में कैप्टन हार्दिक पांड्या को और वाइस कैप्टन बनाया मैंने सूर्य कुमार यादव को। बाकी और कुछ चेंजेस होता है प्लेइंग 11 में, ईशान किशन खेलता है या फिर और कोई चेंजेस होता है, फाइनल पिच रिपोर्ट क्या आती है उसके हिसाब से मैं अपनी टीम एडिट करूंगा, वो टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। और जीएल के लिए मैं, अगर आप लोग फिर से कहोगे कि एक और यूनिक प्रेडिक्शन जीएल के लिए किया जाए, यूनिक कॉम्बिनेशन किया जाए, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के बारे में खुलकर बात की जाए, खुलकर यूज किया जाए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स का, यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात तो कर ली बाकी स्टेट्स की, पिच रिपोर्ट्स की, ग्राउंड रिपोर्ट्स की, उस वीडियो में सिर्फ हम ग्रैंड लीग टीम की ही बातें करेंगे। अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर एक बार फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी मैच 12 तारीख को और वीडियो मैंने एक दिन पहले ही बना दी, तो इसलिए कुछ चेंजेस होते हैं, फाइनल पिच रिपोर्ट प्लेइंग 11 जो भी आता वो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम को दोस्तों अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो दोस्तों नमस्कार।